बताया कि भाई अगर आप में दम है तो लड़कों को हरा के दिखाओ, पता चले कि आप सूर्य कुमार यादव को हरा सकते हो, आप संजू सैमसन को, आप जसवाल को, आप हार्दिक पांड्या को। देखिए चार टोटल लड़के थे और मिलकर 9 विकेट्स ले गए हैं। बात करें हार्दिक की, एक ओवर में 2 बिश्नोई, 2 कंसेक्टिव बॉलों पर 2 आउट कर गया। अर्शदीप सिंह भाई सिंह इज किंग है, सिंह छाया हुआ है क्रिकेट पे, तो भाई ये टीम अनबीटेबल है, ये पकड़े जाए। सर यही तो इंडियन टीम के अंदर सलाहियत है, प्रेशर हैंडल करना। हमने क्या कहते हैं 23-24 के फाइनल में भी देखा जब क्लासन और मिलर फंसे और भाईजान क्या बुम बुम बुमरा चला, और आज भी जब फंसा वो क्या कहते हैं श्रीलंकन टीम, इंडियन टीम ने वही स्ट्रेटजी अपनाई। देख ली है, कितनी क्रिकेट देखी है मैंने, जितना मैंने बाबर आजम को खेलते देखा है, जितना मैंने लिपस्टिक बुलर को खेलते देखा है, हसारंगा और तीक्ष्णा को इस तरह कोई अटैक मुझे लिख के दे ली, वो सब कुछ करता है जो उसको जितवाना चाहे। अभी आप एक स्टैट बता रहे सूर्य कुमार यादव का, वो स्टैट ये था कि सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जो T20 के अंदर है वो सूर्य कुमार यादव, वो विराट कोहली के हैं। लेकिन विराट कोहली ने 16 अवार्ड जीते 121 मैचेस और सूर्य कुमार यादव ने 69 मतलब कि ये स्टैट्स बताते हैं कि सूर्य कितनी बड़ी पावर बन चुका। कोई सरप्राइज नहीं दिया आपको, लड़के फेवरेट थे इस मैच में और वो मैच भी जीत गए। बारिश की वजह से आपको पता है कि 8 ओवर पे मैच आ गया, और देखें इंडिया की इतनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग है तो ये तो उनकी फेवर में, बहुत ही फेवर में मैच आ गया था। फिर इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे ऑब्वियसली यू हैव टू स्कोर रन्स, तो इंडिया के लड़कों ने बिल्कुल भी मायूस नहीं किया। भारत ने दूसरे T20 आई में जीत हासिल कर ली है। श्रीलंका ने 9 विकेट खोकर 161 रन बनाए 20 ओवर में, के बाद बीच में बारिश होने लगी जिसके चलते खेल रुका रहा। बाद में जब खेल स्टार्ट हुआ तो भारत को 8 ओवर में 78 रन का लक्ष्य मिला, जिसके बाद भारत ने 6.3 ओवर में 81 रन बना के जीत हासिल कर ली। आइए इस पर पाकिस्तानी मीडिया की क्या रिएक्शन होती है देखते हैं। क्या हम इंडिया को डॉन ऑफ क्रिकेट कह सकते हैं? ठीक है, सही है, कह लें। दूसरी बात, इंडिया लास्ट टाइम जो फाइनल हुआ था वर्ल्ड कप का, 11 मैच इंडिया जीती थी। दूसरा भी, ये टीम इंडिया क्या खा के आई हुई है, ये इंडिया की टीम श्रीलंका को उसके होम ग्राउंड पे पीटी जा रही है, बस ये व्हाइट वॉश करेगी देखना आप। और हम इंडिया टीम के साथ हैं इंशाल्लाह, जीतेगी बिल्कुल भाई। इंस्टेंट रिवेंज लिया, और रवि बिश्नोई के लिए अप्रिसिएशन है भाई, वो इंजर्ड था, उसके बॉल लगी लास्ट मैच में, ब्लड निकल रहा है उस बंदे के चीक से, लेकिन भाई वो बंदा कह रहा है कि मैंने कंट्री के लिए खेलना है, नीली जर्सी के लिए खेलना है। और नो डाउट भाई, जब ये इंडिया की टीम मैदान में उतरती है, लड़कियां तो अनफॉर्चुनेटली हार गई, लेकिन लड़कों ने बताया कि भाई अगर आप में दम है तो लड़कों को हरा के दिखाओ, पता चले कि आप सूर्य कुमार यादव को हरा सकते हो, आप संजू सैमसन को, आप जसवाल को, आप हार्दिक पांड्या को। देखिए चार टोटल लड़के थे और मिलकर 9 विकेट्स ले गए हैं। बात करें हार्दिक की, एक ओवर में 2 बिश्नोई, 2 कंसेक्टिव बॉलों पे 2 आउट कर गया। अर्शदीप सिंह भाई सिंह इज किंग है, सिंह छाया हुआ है क्रिकेट पे, तो भाई ये टीम अनबीटेबल है, ये पकड़े जाने वाली टीम नहीं। देखिए वो टैलेंट को जिस तरह से प्रमोट करते हैं, ठीक है, इंडिया हैज द एटीट्यूड, उनके पास कॉन्फिडेंस है, ये बड़ा अच्छा लगा एटीट्यूड, बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस है और स्किल है, जिस तरह हमने बात की के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम फिर अपने प्लेयर्स के साथ कंपेयर करना मुझे लगता है ये ज्यादती होगी। ठीक है जी सर, श्रीलंका की टीम अगर देखे, जैसे आज इंडिया को उन्होंने टारगेट दिया था 162 का, ये वो टीम है जो 200 का टारगेट कर लेती है, वो टीम है जो 200 के पार का स्कोर ले जाती है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, साउथ अफ्रीका की बात करें, T20 से लेके अब तक हमने देखा है कि कोई भी टीम इंडिया का प्रेशर नहीं ले रही, हम तो बहुत पीछे रह गए, अच्छी अच्छी टीमें नहीं टिक पा रही उनके सामने, हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत। कितनी कम मेहनत, डेंट लगाएं, कोई वट्टे सट्टे उठाएं, दीवारें फलांगे, किसे ट्रेनिंग कराएं, हमारी तो हर लिहाज से तरबियत होने की जरूरत है। हम एथलीट तो हैं ही नहीं, हमारी पहले तरबियत, हम हमारी तरबियत होने वाली है, हमारे तो जैसे समोसे खा लेते हैं पिज्जे खा लेते वो तो है ही है, लेकिन उसके अलावा अखलाकी तरबियत भी हमारी हर लिहाज से होने वाली है। एटीट्यूड, गुड एटीट्यूड होने। आप क्या कह रहे हैं? मैं भी यही कह रहा हूँ कि जैसे उन्होंने सारा वर्ल्ड कप खेला, उनका एटीट्यूड डिफरेंट था, वो जीतने आए थे, वो डर रहे नहीं थे, हमारे जो प्लेयर्स थे वो कनाडा से डर रहे हैं, वो आयरलैंड से डर रहे हैं, यूएसए जो फर्स्ट टाइम खेली, यूएसए से, हालांकि मैच हालांकि हम जीत गए थे, लेकिन आखिर में आखिरी ओवर में क्या हो गया पता नहीं लगा, कैच मिस हो गया शाहीन शाह से, तो वो एटीट्यूड का मसला है, डर डर के खेलेंगे तो ऐसे ही होगा। तो आपको इंडियन टीम का एटीट्यूड पसंद है? बहुत जबरदस्त है। सर यही तो इंडियन टीम के अंदर सलाहियत है, प्रेशर हैंडल करना। हमने क्या कहते हैं 23-24 के फाइनल में भी देखा जब क्लासन और मिलर फंसे और भाईजान क्या बुम बुम बुमरा चला, और आज भी जब फंसा वो क्या कहते हैं श्रीलंकन टीम, इंडियन टीम ने वही स्ट्रेटजी अपनाई। रात को मैच देखने वाला था, 8 चौके लड़की ने मार दिए यार, कितने दुख के बाद छक्का ही मारा होगा यार उसने,
सर मारे होंगे छक्के चौके, मैं कहता हूँ इंडिया की वुमेन के हमें अंदर हमें मैन नजर आए हैं। और भूमियों तो भूमिये ने यार बिल्कुल वो है, अल्लाह माफ करे, पिछला मैच देखो उसमें भी टिक गई थी चौका चौका, पता नहीं वो की खा के आ रही है यार। एशिया के अंदर कोई ऐसी टीम नहीं है कि दुनिया के अंदर ऐसी कोई टीम नहीं जो टीम इंडिया को हरा पाए। वो पाकिस्तानी थी जिन्होंने हराया था, कोशिश करे तो हम हरा सकते हैं, पर उनके अलावा कोई नहीं है। उसके अलावा नहीं, कोई नहीं हरा सकता इंडिया को, नहीं कोई नहीं पैदा हुआ अभी तक, नहीं। क्या करेंगे सर जो इतनी अच्छी क्रिकेट खेल, हम अपनी मेहनत करेंगे तो हम इंशाल्लाह इनको कुछ भी नहीं समझेंगे। हम अपनी मेहनत नहीं करते बेसिकली, बस हम समोसे पकौड़े, ये ध्यान हमारा खाने में होता है। जहाँ हम यार हम बाहर आ गए घूमने के लिए, हम थाईलैंड आ गए, श्रीलंका, फ्रॉग जी, हम घूमने के लिए आए, बस हम घूम रहे हैं कुछ काम, ये सोच नहीं रहा कि हम क्रिकेट खेलें, ठीक है, हम अपना नाम कमाएं, बाद में क्यों घूम लेना यार। हम सारे मुल्क भारत ट्रॉफी जीती जा रहा है और हम यहाँ पे बैठ के तुम्हारे आगे से उसको इतनी बड़ी ऑफर दी है, 4 अरब करोड़ रुपया लगाया हमने, 1200 करोड़ रुपया लगाया उनके लिए, आगे उनसे एटीट्यूड नहीं खत्म, उनके पास 4 ट्रॉफियां जो हो चुकी है, अब हम क्या करें, हम भी एक आधी जीतते शायद हमारे पास भी एटीट्यूड होता और आज इंडिया खुद इधर हमारे पास आता, बिल्कुल हम उसके हमें तरले करने पड़ रहे हैं यार। हमारे लिए क्या छोड़े, हमारी टीम तो सेमीफाइनल से बाहर हो गई, हमारी टीम बस समोसे पकौड़े और दही भल्ले खाए और साथ में चाइनीज बस खाए, उनको क्या हो? देख लिया कितनी क्रिकेट देखी है मैंने, कितना मैंने बाबर आजम को खेलते देखा है, कितना मैंने लिपस्टिक बुलर को खेलते देखा है, हसारंगा और तीक्ष्णा को इस तरह कोई अटैक मुझे लिख के दे दो, एक स्पिन विकेट जिस पे रियान पराग की बॉल भी टर्न हो रही है, एक ऐसी विकेट जिधर स्पिनर्स का जादू चल रहा है, उस विकेट पे आके जिस तरह जो है वो जयसवाल ने और जिस तरह आके जो है वो सूर्यकुमार यादव ने जो है वो तीक्ष्णा और जो है वो उसको हसारंगा को पकड़ के बजाया, ये टीम इंडिया की भाईजान ब्यूटी है, ये उस टीम की खसूसियत है, ये उस टीम की भाईजान क्वालिटी है कि वो पकड़ के किसी को भी बजा देती है उनके घर में जाकर। भाईजान ये टीम इंडिया एवेनी नंबर वन बनी, इस टीम इंडिया ने मेहनत की है, इस टीम इंडिया का जो कप्तान है सूर्यकुमार यादव भाई, उस बंदे ने कल क्या बोला है कि सिर्फ इंजन चेंज हुआ है, ट्रेन वही है, इंजन चेंज हुआ है अंदर से। और आप देख लो आज भी इंडिया श्रीलंका के साथ वही हुआ है, 130 पे 2 आउट और 160 पे 9 आउट, ये उस टीम की काबिलियत है, ये उस कप्तान की काबिलियत है, ये उस टीम की भाई काबिलियत है कि वो टीम किसी को अपने आसपास भी आने नहीं देती, ये खूबसूरती है उस टीम की, दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन क्रिकेट, यकीन कर ले यार दिल खुश हो जाता है, मजा आ जाता है यार इस टीम को देख के, मजा आ जाता है। मतलब आपके पास एक से भरकर एक प्लेयर वो मौजूद था जो इतनी ताकत रखता है, इतनी एबिलिटी रखता है कि वो किसी भी ओवर के अंदर 20 रन मार सकता है। देखा जाए तो जिस तरीके से संजू सैमसन आज आउट हुए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी उनके पास थी, वो उसको यूटिलाइज कर सकते थे, ओपनर आए थे लेकिन एक शानदार किस्म का बॉल फेंका गया थिकसाना की तरफ से, वो क्लीन बोल्ड हो गए। लेकिन दूसरी तरफ जयसवाल ने अपना काम कर दिया, 8 ओवर में जो चाहिए था उसने वो करके दिखा दिया। सूर्य कुमार यादव को भाई सल्यूट है, मतलब के कप्तान बनके भी इसने अपनी गेम को चेंज नहीं किया, अपने गेम स्टाइल को चेंज नहीं किया और खेलता है, रुकता नहीं है, मारता है अपनी टीम के लिए, वो सब कुछ करता है जो उसको जितवाना चाहे। अभी आप एक स्टैट बता रहे सूर्य कुमार यादव का, वो स्टैट ये था कि सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जो T20 के अंदर है वो सूर्य कुमार यादव, वो विराट कोहली के हैं, लेकिन विराट कोहली ने 16 अवार्ड जीते 121 मैचेस और सूर्य कुमार यादव ने 69 मतलब के ये स्टैट्स बताते हैं कि सूर्य कितनी बड़ी पावर बन चुका हुआ है। देखिए मैं रिजवान भाई आप बताना अगर मैं गलत बोलूं तो, यहाँ पे उमर भाई आप बताना अगर मैं गलत बोलूं, मैं ये समझता हूँ पिछले 2 महीने के अंदर इंडिया जो अपने मैचेस जीत रहा है वो अपनी बैटिंग नहीं, अपनी आखिरी 5 ओवर की बॉलिंग की बेस के ऊपर मैचेस जीत रहा है। जो ये डेथ बॉलिंग कर रहे हैं आखिरी 5 ओवर के अंदर वर्ल्ड कप से लेकर आप देख ले पाकिस्तान के अगेंस्ट क्या शानदार किस्म की इन्होंने बॉलिंग की, आखिरी 5 ओवर में गेम चेंज करके रख दी। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आखिरी 5 ओवर में इन्होंने गेम चेंज करके रख दी। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट फाइनल के अंदर 24 बॉलों पे 26 चाहिए था, आखिरी 5 ओवर के अंदर गेम चेंज करके रख दी। लंका वाली सीरीज से जो मैं बात करूं, पिछले मैच में 140 के ऊपर 1 आउट था, 170 के ऊपर 9 आउट थे, आज 130 के ऊपर 139 के ऊपर आपका 2 आउट थे और 161 के ऊपर आपके जैसे कहते हैं ऑल आउट हो गए हुए थे। इससे पता चलता है कि भारत की जो टीम है आखिरी भारत की टीम आखिरी 5 ओवर में जो क्रिकेट खेल है, जो बॉलिंग कर रहा है, मेरी नजर के अंदर पिछले 2 महीने के अंदर भारत की जो रियल ताकत है वो इनकी डेथ बॉलिंग बनी हुई है।
बुमराह और कुलदीप के ना होने के बावजूद हम बार बार कहते थे कि बुमराह के आखिरी दौर में तो मार पड़ती नहीं, जब बुमराह नहीं होगा तब इंडिया को बड़ी मार पड़ा करेगी। बुमराह अभी भी नहीं है, लेकिन आप देख लें कि बुमराह की कमी उनको कोई सरप्राइज नहीं दिया आपको। लड़के फेवरेट थे इस मैच में और वो मैच भी जीत गए। बारिश की वजह से आपको पता है कि 8 ओवर पे मैच आ गया, और देखें इंडिया की इतनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग है तो ये तो उनकी फेवर में, बहुत ही फेवर में मैच आ गया था। फिर इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे ऑब्वियसली यू हैव टू स्कोर रन्स, तो इंडिया के लड़कों ने बिल्कुल भी मायूस नहीं किया और जैसे एक्सपेक्टेड था आराम सुकून से उन्होंने ये रन्स चेज किए हैं, सूर्या कुमार यादव और बाकी आपको पता ही है जायसवाल, ही वॉज अमेजिंग। जायसवाल ने बहुत ही बेहतरीन और शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है और मैच एंड करके मजे से सुकून से वापस चलता बना है। हाँ, कहीं ना कहीं संजू सैमसन से वी वांटेड के वो भी कुछ ना कुछ जीत में अपना किरदार अदा करे, लेकिन खैर ऐसा हो नहीं पाया। और बाकी रही सही कसर जो है वो पांड्या ने भी निकाल दी, 9 गेंदों में 22 रन। सो ही वॉज अमेजिंग, एवरी वन वॉज अमेजिंग अपार्ट फ्रॉम दैट। चलो संजू सैमसन आउट हो गया, वो कुछ खास किया नहीं पहली गेंद पे ही, लेकिन उसके अलावा बाकी जायसवाल की बात करें, कैप्टन सूर्य कुमार यादव की बात करें या पांड्या की बात करें, 8 ओवर का मैच है, टारगेट आपके सामने है, तो आपके जाहिर है कि कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि चौके लगेंगे छक्के लगेंगे। ये हसरंगा, फिर देखें बीच में हसरंगा की अगर बात करें, पाकिस्तान से नहीं खेला जाता, बिल्कुल नहीं खेला जाता ये हसरंगा, चाहे हसरंगा पाकिस्तान में आए। आपको अगर याद हो के 3-4 साल पहले जब सरफराज कप्तान था तो पाकिस्तान को श्रीलंका ने घर में वाइट वॉश किया था, और उस सीरीज में हसरंगा बिल्कुल भी अनप्लेएबल था, इनसे गूगली पे ऐसे आउट हो रहे थे बिल्कुल, और वो सिलसिला 5-4 साल पहले वाली बात नहीं है, वो अभी भी वैसे ही चल रहा है। जब भी कभी आमना सामना होता है या श्रीलंका में कोई मैच खेलें या यूएई में कोई मैच खेलें, ये हसरंगा पाकिस्तान के बैट्समैनों से खेला ही नहीं जाता। हसरंगा को 2 ओवरों में 34 रन डालना है तो मैच इसी ने खत्म करवा दिया, मतलब जो इसकी फेंटी लगी है, जो इसको सूर्य कुमार यादव या बाकी किसी ने भी नहीं छोड़ा, हर किसी ने फेंटी लगाई है, और इस ये हमसे नहीं खेला जाता भाई। ये पता नहीं क्या कोई रॉकेट साइंस है या क्या है, हालांकि बॉलर अच्छा है, लेकिन मैंने इंडिया के खिलाफ कभी भी इसको कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फुल स्टैंड टीम के साथ, लास्ट टाइम जब इंडिया 2-1 से हारा था सीरीज तो उसमें मेन टीम तो इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज खेली थी इंग्लैंड के साथ, वो धवन की कप्तानी में आप लेके गए थे बच्चे,